हमने ऐसा पढ़ा है कि हमारा हार्ट जो है वो पंप है और ब्लड को वो पंप करता है, लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी आवाज़ हमें भी सुनाई देती है। सारे और ऑर्गन्स में से भी वाइब्रेशन निकलती है लेकिन उसको हम सुन नहीं सकते, लेकिन अपने हार्ट की वाइब्रेशन को हम सुन सकते हैं या आवाज़ को हम सुन सकते हैं, क्योंकि यही वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। वाइब्रेशन बोले तो हाथ रख के देखो कि क्या वो सेफ फील करता है, क्या उसके अंदर सुकून है, क्या उसके अंदर शांति है, या वो अंदर से सफोकेटेड है, ऐसा लगे कि दिल पे इतना भार रखा हुआ है, ऐसा लगे कि दिल जो है वो डूबा जा रहा है, ऐसा लगे कि दिल जो है अंदर से मरा हुआ है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ है तो अपने दिल का इलाज सबसे पहले करो, अपनी उस फीलिंग का इलाज सबसे पहले करो कि वो खुश हो जाए। जब वो अंदर से खुश होगा और जो वाइब्रेशंस वो निकालेगा खुशी की, तो यूनिवर्स आपको खुशियाँ ही ला के वापस देगा। लेकिन अगर वो अंदर रो रहा है तो आप बाहर से चाहे कुछ भी कर लो, आपका रोना ही यूनिवर्स में जा रहा है और वही चीज़ आपको वापस मल्टीप्लाई होके मिलती रहेगी। बहुत डीप बात है, बहुत इजीली ट्राई करी है कि आप इस चीज़ को समझो। प्लीज़ अपने दिल की आवाज़ सुनो और उसके साथ काम करना शुरू करो, वो बहुत कुछ दे सकता है आपको।